हाँ लाइव आ गए जी। मेरे को बिजली के बिल पे आ जिहड़ा अज कल ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुद्दा भखया होया 600 यूनिट वाला भी 300 यूनिट हर हरेक महीने अपन 2 महीने बाद बिल आता ठीक है जी। तो पहला पहला जो पहला चलता होंगे सी 200 यूनिट वाला वह भी सू समझाऊंगा माफ जी माफी चलती तो यह भी दसूँ जी। हूँ मैं मैं बिल में यही देख रहा मैं मेरी गर्मी च किन्नी यूनिट हो जाती है सर्दी किन्नी यूनिट मेरी फुकती है कल कल वीडियो देखते रहे हो तुम कल कल गल समझाऊंगा भी 600 यूनिट भी जी महीने की 600 यूनिट थोड़ी नहीं होंगी हैगी बहुत ज़्यादा हो जाती है 600 यूनिट। मैं देख रहा मेरी 2 महीनों की 450-600 तक तो बहुत औखा कि बड़े परिवार जा भी सकती जिन्होंने कोई बड़े परिवार है जा भी सकती है एक नॉर्मल परिवार जिदा भी सीमित हूँ साढ़े घर ए सी भी चलता दिन रात चलता ठीक है भी जाती है वो समझ समझ। हूँ मैं इतने यही देख रहा जेडे पुराने बिल है ठीक है भी आह जो आह बिल आया हुआ मैं हाँ जी सत्या भी सत श्रीकाल जी जुड़ो 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 बंदे फिर अपना गल पूरी गल समझाऊंगा मैं भी यह क्या झमझोला सारा कुछ आह मेरा हैगा जी बिल पर है जी बिल दे पर जी पुरानी पुरानी वीडियो है ना जी अपनी पिछे का इशारा हो गया भी कहते लाइव क्वालिटी सही चल रही इधर इधर भी देखा हाँ लाइव सही चल रहा और देख रहे इधर लाइव सही चल रही है। तो ये पर आई हुई जी मेरी पुरानी यूनिट हुई हुई जी ये है जी कि महीने का खर्चा पर अखर ही मिट जाते देखो हाँ साफ ही हो जाए मैं पुराने बिल सारे कटे है भी उन्होंने साफ नहीं दिख रहे किसी तरह घुग्गा घांगड़ा जहाँ मार जाते हो समझने वास्ते भी ढंगाई की लड़ पी बिल भी क्या कुछ है। लो जी आ है जी मेरा बिल 6/11 का 6/11 न्यू है ओल्ड हैगी है जी 6 to 4 months का इकट्ठा होया है ना अच्छा ओल्ड रीडिंग आलो जी गर्मी के महीने की मेरी यूनिट जी आई हुई है 664 यूनिट आई है जी हाई जो गर्मी जून जुलाई महीने चलते हैं ना जो हूँ आ 2 महीने होने इन्हें 600 यूनिट तक जानी ही जानी क्योंकि पखे दिन रात चलने हैं ए सी दिन रात चलने हैं 664 यूनिट होगी ठीक है जी आ जाती है जी आ मेरे पहला बिल आया जो 664 यूनिट हुई मेरी गर्मी के दूजी आ जाने जी अगला बिल देख लें। हाँ जी थोड़े को किमें भी एन वधिया भी वधिया 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 फर्स्ट क्लास अरे मैं बंद कर दूँ जो मैसेज आई जाने नहीं फिर आएगा जी मेरा बिल ओल्ड न्यू है जी ओल्ड है जी पुरानी थोड़ा बिच गलत जहाँ पा दें यह है जी 6/11 ये भी 2 वाली आया हुआ है ये चक्कर है समझ लग रही है कि किसी गल का मूँह सिर भी कर लै करता पहले दूगा वीडियो तो देख ला हले दसूंगा जी हले मैं कहना लंबाई ला बंद का जुड़ लेने हले 300-400 होता जो दिल से गल करा बैठा रहा देख लाइव ना लग्या रहा हैगा जी इन्ना छो ये पर पता क्या होंगे मैं हम थोड़ा समझा जोड़े बिल आए लेन आते हैं ना इतने रीडिंग लेन आते हैं वह मैं कदम नहीं देखे भी अपने जी पहली तो पहली डेट कदम नहीं लेंगे है जो तो जिदा ज़्यादा गर्मी वाले महीने होंगे है जिदा हम भी जून जुलाई वाले ये लगता भी बिजली ज़्यादा फूक होनी है उन्हें क्लोज वाली डेटा भी ले लेंगे है जो मिडल जे वाले आ जाते महीने मिडल वाले नहीं जिदा भी समझ लगे ना ठंड ना गर्मी वो थोड़े अगे पिछे कर देने डेट ठीक है भी 300 यूनिट तो जो पुराना चलता होंगे सी ये यह जो बिल्ते कितने पिछे देखे आ पिछे लिखा होंगे सी हूँ तो 600 यूनिट माफ होगी ना जो पापा कितने पिछे पिछे देखे जाए अखर बहुत बरीक लिखे हुए जे तो कहते थोड़ी 100 यूनिट फूक होंगी है ठीक है जी तो थानूँ आऊगा जी 4.49 पैसे ठीक है जी जे थोड़ी 300 तो उपर जाती है तो थानू रेट लगेगा 634 पैसे हरेक यूनिट पर जे 300 तो उपर जाती फिर 7.30 रुपये पैसे जे 300 तो उपर जाती थोड़ी यूनिट मैं यही चीज़ बहुत नोट नोट करता हूँ जो मेरा बिल है मैं देखे सारे बिल जिन्हें भी पे हाँ कट कट के ही देख रहा मैं वह पता क्या हूँ मेरी तीन जी नॉर्मल मिल बिलों के आ जाती है उन्हें 300 तो उपर रखी हुई है भी जी घर दी 300 के उपर बिल अपन वाधा आए
मैं 300 थले नहीं रखी है, पर हूँ देखना अपन पता भी नहीं लगता वो मीटर जो पता भी नहीं लगता जो किसी भी नहीं पता मीटर किदा जाके रीडिंग देखी जाती है कि क्या पिछली किन्नी है तो हूँ की किन्नी सारी क्या कुछ है। अब भाई जी जरनल तो चक्कर मेरे जरनल का कोई चक्कर नहीं, 600 यूनिट बहुत हो जाती, बहुत ज़्यादा 600 यूनिट ठीक है। जे 600 जिहड़े जिन्हें घर की 600 यूनिट उपर जाती है ना वो पहले इन्ने गुंजाइश बंदे होंगे भी वह बिल दे सकते हैं। आम नॉर्मल परिवार जिदा हूँ घर उन्होंने वो जरनल मैं यही मैं आप खुद जरनल हाँ, मैं जरनल में आना फस्ट तो देखाओ रेट रेट भी सारे लिखे हुए। चलो जी 600 यूनिट माफ करिए हमें ये बारे गलबात करते हैं। बोझ कि पैना पहली आप करोड़ों के करजाई होए हुए हैं, बोझ खजाने पर पैना कितों आऊगा इन्ना पैसा, जेडे बिल माफ होने 600 यूनिट की थोड़ी नहीं होंगी जो आप फूकेंगे भी वो कितों भरना पैना। चल मैं तो यह सोचता भी चलो भगवंत मान ये कर दिता बिच भी मैं असं हाँ भाई अपना बिल माफ करते सारियां जिहड़े हैगे असं जी एक उन्हें जो गरंटी देते कहना हौली हौली पूरी करांगे भी 5 सालों के कई। मैं तो यह सोचता मैं कहना भी हुण दूजे जिहड़े पार्टी वाले आउणगे लाइव होणगे उत्थे आए कहणगे देखिया असीं जोर पाया ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਪ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੀ ਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 600 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੱਪੀਏ, ਜੇ ਪੱਖਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੰਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਵਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗ ਉਲਝੇ ਰਹੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੋਲੂ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਰਨਲ ਇਹ ਬੋਝ ਕਈ ਜਰਨਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਾਊਗੀ ਦੂਜੇ SC VC ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਬਿਜਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਿਓ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ AC ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਦਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਚਦਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ
हाथ च पखा ले आवा ए झलते होंगे बैठे। पैसे भी है उन्होंने को, पैसे भी है उन्होंने को, पर नेचर नाल प्यार करते हैं। पैसे भी कदम बैठे बैठे इन्ने खर्च देने भी वह प्यार करते, बस कहते नहीं ये सानू आदत है। पखा भी है घर भी सारा समान फिर भी वो पखा चलते थोड़ा पापा टैक्स तो आप भी सवेरे उत्तों ही रात सौ तक भाई ता ही कम चलते। हूँ देखो पिछले सरकार ने कर्जा ले लेकर अपन कितने तक डबोता, हूँ जो आह भी कितना कितने का बोझ पैना ही अपने भरे पैना, कितना कि कुछ करना ही पैना कुछ चीज़ा। मैं तो कहना भी सरकार बदलाव आए तो कुछ ना कुछ बदलाव तो करे, अंगूठा दिता हुआ हूँ आह गल चक्की हुई है। उन्हें भगवंत मान बार बार एक कह देना यार, कहना तुम अज अंब लाया अज गुठली तुम लगोई है, तुझे कहना अजे अंब दो अज भी हाले उगूगा बधूगा फूलगा फिर कितने जाके अंब मिल लेंगे। चलो हूँ आप लाइव भाजी का फोन, चलो ठीक है जी आप हम लाइव बंद करने को मैं जरूरी कॉल आ गई ने, मैं गल बहुत दिमाग में फिर कि बारे मुद्दे बारे गल कर तुम मैं कमेंट करो जरूर तो धन्यवाद। मैं जरूरी कॉल है नहीं, मैं हाले लाइव तोड़ना नहीं था, मैं तो कर तोड़ना पैना। ओके जी धन्यवाद थोड़ा सारे का।